जी दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल आशीष आयुर्वेदिक सेंटर पर। दोस्तों आज एक और बहुत बढ़िया एक बटी तैयार कर रहे हैं हम, जिसका नाम हमने रखा हुआ है मुम्स की खास, जो बहुत ही बढ़िया काम करती है टाइमिंग के ऊपर। जो मर्दाना ताकत की वजह से लोग तरह तरह की दवाइयां खाते हैं या कोई एलोपैथी की दवाइयां खा के अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, व्याग्रा का इस्तेमाल भी कई लोगों को, जो लोग व्याग्रा का इस्तेमाल करते हैं कई बार व्याग्रा भी काम नहीं करती, तो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत ही खास बटियाँ बनती है। और इसका रिजल्ट जो है बहुत बार का आजमूदा है, बहुत बढ़िया ये काम करती है। ये अभी ऑर्डर पे ही हम लोग तैयार कर रहे हैं, 3-4 भाइयों का ऑर्डर था, पहले उनको जा चुकी है तो उन्हीं ने दोबारा इसकी रिपीट डिमांड की है। तो ये आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने मदार का दूध निकाला है, इसके लिए ये शिंगरफ का जो ये बटी बनती है, शिंगरफ का इसके अंदर बहुत बड़ा महत्व है, तो शिंगरफ को ही हम तैयार करेंगे खुरासानी अजवैन के अंदर। तो आप लोग जो लोग नए हैं उन लोगों को पहले तो वेलकम कहते हैं हम लोग आप हमारे चैनल के ऊपर, और जो पुराने हैं उनका थैंक यू करते हैं कि वो मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले सिंबल फार लेना है, जो आपको 2 तोले की 2 डलियां लेनी है, 2 तोले की शिंगरफ की। तो सिंगल 1 तोले के ऊपर आपको 2 तोले ही सिंबल फार, जो बलौरी सिंबल फार है, सफ़ेद संख्या है, वो लेना है। उसकी पेस्ट बना लेनी है आपको अच्छी तरह से खरल करके, उसके बाद उसके अंदर मदार का दूध, आग का दूध डालना है। दोस्तों ये आपको ज़रूरत के अनुसार है, इतना दूध डालना है कि इसकी अच्छी तरह से पेस्ट बन सके। ये पेस्ट बनाकर जो अपनी शिंगरफ की जो डलियां हैं आपने ली हैं उसके ऊपर ये इस पेस्ट का, उसके जो डलियों के ऊपर ये चारों तरफ अच्छा मोटा एक ये सिंबल फार का जो आपका पेस्ट है वो लगा देना है। सॉरी, ये पेस्ट इस तरह से लगाना है कि ज़रा से भी जो शिंगरफ है आपकी वो नंगी नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद इसको कम से कम आपको 1 घंटे के लिए अच्छी धूप के अंदर सुखाना है। ये देखिए ये शिंगरफ, रूमी शिंगरफ बढ़िया वाली है, ये पार इसके अंदर काफ़ी मात्रा में है, तो ये मैं पहले से मेरे पास पड़ी हुई थी। तो इस तरह से आपको ये पेस्ट तैयार करना है। ये थोड़ा सा अभी खुश्क है, इसके अंदर थोड़ा मदार का दूध और डालना पड़ेगा मेरे को। तो इस तरह से आपको ये पेस्ट तैयार करके, ये मैंने पहले वीडियो बना रखी है दोस्तों, ये मैं इसके ऊपर वॉइस बना रहा हूँ। तो इस तरह से आपको ये सारे का सारा ये गाढ़ा जो पेस्ट बनाया है अपने सिंबल फार का, ये शिंगरफ की डली के ऊपर इस तरह से आपको लगा देना है। बस ज़रा सी भी शिंगरफ की डली कहीं से भी नंगी नहीं रहनी चाहिए। तो इसको अच्छी तरह से कवर करके धूप में सुखा लें, कम से कम इसको 1 आधा घंटा या घंटा धूप लग जाए, जैसे आजकल धूप काफ़ी अच्छी है तो 1 घंटा धूप इसको लग जाए ताकि अच्छी तरह से खुश्क हो सके। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करें, सारा वीडियो ध्यान से देखें ताकि जो आने वाला कोई भी आपका जो स्टेप है वो ना रह जाए, ताकि आपको बनाने में कोई दिक्कत आए तो फिर आप मेरे को फ़ोन करेंगे कि हमारी को ये समझाएं। अभी आप वीडियो को अच्छी तरह से देख लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और ये इसका रिजल्ट जो है ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ही बढ़िया है। इस ये आपको कभी भी ये कुश्ता जो सिंगरफ का बनता है, ये बटी बनती है, आपको नाराज नहीं करेगी, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है। ये सिंबल फार के इसको वो लग जाती है, सिंबल फार और इसका जो मेन दाबू है वो है खुरेसानी अजवाइन। खुरेसानी अजवाइन आपने लेनी है 250 ग्राम, 250 ग्राम खुरेसानी अजवाइन लेकर के उसको आधा नीचे डालना है, आधा डाल करके एक छोटा सा कढ़ाई ले लें आप, छोटी सी कढ़ाई लेनी, ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी, जिसका तला बिल्कुल छोटा सा हो ताकि इसकी अच्छी डेरी जो है वो लग सके। इस तरह से आपको सिंबल फार की जो डलियां हैं वो सुखा कर मैंने इसको तैयार कर लिया है। ये 2 डलियां मैंने सिंबल फार की और सॉरी शिंगरफ की सिंबल फार के पेस्ट के साथ तैयार करके इसको तैयार कर लिया था। तो ये बाकी का जो बकाया हमारी खुरासानी है वो मैंने इसके ऊपर डाल दी है। ये देखिए इसको अच्छी तरह से बनाना है ताकि ये एक तय मोटी तय लग जाए। तो उसके बाद क्या करना है आपको, इसके नीचे आग जो रखनी है बिल्कुल धीमी आंच रखनी है। इसको मेरे को बनाने में कम से कम ये अभी एक सवा एक का टाइम हुआ है दोपहर का,
तो जब मैंने इसको निकाला था तो ये कम से कम शाम के 7:30 बज चुके थे। तो ये देखिए आग जो इसके अंदर रखनी है बिल्कुल धीमी आंच रखनी है, जो जितना आपको बिल्कुल मंद आंच। तो इस तरह इसको रख के इसको कम से कम, जब तक इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, इसका टाइम पीरियड बिल्कुल नहीं है, जब भी ये सारी की सारी अजवाइन ऊपर तक जल जाए तो इसके बाद ही इसको निकालना है। और इस तरह से देखिए, ये अभी मेरे को 2.5 घंटे हुए थे, ये लास्ट पॉइंट है बिल्कुल। ये 7:30 बज चुके हैं शाम के, ये देखिए अंधेरा हो चुका है, मेरा आपको शेडो दिख रही होगी। तो इस तरह से इसको मैंने, ये ऊपर तक जल चुकी है, ये देखिए ये निकल आई है मेरी शिंगरफ, तो ये पूरी तरह से बावजन निकली है। अभी भी ऊपर का जो भाग है इसका ये रह गया है, इसको अभी मैंने तीन ऐसी तरह, तीन और इसके प्रोसेस हैं, आगे की वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। तो इसको फिर दोबारा से मलफार पेस्ट बनाकर मदार के दूध के अंदर इसी डलियों के ऊपर दोबारा चढ़ाकर इस तरह से हमने 4 बार करना है। उसके बाद इसको पान के पत्तों के रस के अंदर और प्याज के रस के अंदर, अदरक के रस के अंदर इसकी गुटाई करी जाएगी और नखुदी गोलियां तैयार की जाएगी। एक गोली रोजाना पेशेंट को खिलानी होती है दूध के साथ, और 7 से 10 गोली बहुत होती है। अगर इसको ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो फिर बाद में 1-2 दिन छोड़ के 1 गोली खिलाई जाती है। तो इस तरह से ये जो मुहब्बे ये मेरी बनती है बटी मुमस की खास, तो इसको अगर कोई भाई मंगवाना चाहे तो अपना एड्रेस मेरे व्हाट्सएप नंबर पे दे दें। मैं अभी अपना व्हाट्सएप नंबर मैंने इसके ऊपर दे दिया है, तो जो भी भाई इसको मंगवाना चाहते हैं उसका ऑर्डर इस कर दें, इसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। तो ये सिर्फ ऑर्डर के ऊपर ही बनाई जाती है, जहाँ मेरे मतलब के ऊपर जो मेरे जनरल जो डेली के पेशेंट होते हैं, जो लोग इसका इस्तेमाल पहले कर चुके हैं, वो लोग लेके जाते हैं। ओके दोस्तों, धन्यवाद, शुक्रिया।